बेटी माँ से, माँ रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर है? माँ, बेटी जब तेरे पापा और मैं घर के अंदर लड़ते हैं और पड़ोसी सुनते हैं तो वह रेडियो है, लेकिन जब तेरे पापा और मैं घर के बाहर लड़ते हैं और पड़ोसी देखते हैं तो वह टेलीविजन है। नो 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 नो। लड़की की शादी के बाद पहली बार उसकी सहेली मिलने आती है, वो आपस में बातें कर रही होती तो शादीशुदा लड़की उसे बताती है, लड़की मुझे अपने पति पर शक है कि वो रोज बाहर किसी दूसरी लड़की से मिलते हैं। सहेली हैरानी से बोली, ओ माय गॉड, अब तुम क्या करोगी? लड़की बोली, आज ही उनके पीछे अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स को लगाती हूँ। पति, जब भी मैं पिताजी की तलवार देखता हूँ तो मेरा लड़ाई पर जाने का दिल करता है। पत्नी, तो जाते क्यों नहीं हो? पति, क्या करूं? इसके तुरंत बाद उनकी नकली टांकी याद आ जाती है। पति दर्द से कराते हुए, सुनो मुझे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, शायद हार्ट अटैक आया है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाओ। पत्नी, ठीक है, जल्दी से मुझे आपके मोबाइल का पासवर्ड बताओ, मैं अभी कॉल करती हूँ। पति, चलो रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, शाम को दिखा देंगे। एक आदमी की पत्नी मॉल में कहीं गुम हो गई। थोड़ी दूर यहाँ वहाँ देखने के बाद वह एक खूबसूरत सेल्स गर्ल के पास पहुँचा और बोला, क्या आप 5 मिनट मेरे पास खड़े रहकर बातें कर सकती हैं? सेल्स गर्ल, क्यों, इससे आपको क्या फायदा होगा? आदमी, दरअसल मेरी पत्नी यहीं कहीं गुम हो गई है और मुझे दिख नहीं रही, जैसे ही वह मुझे आपसे बात करते हुए देखेगी सीधी गोली की तरह यहाँ चली आएगी। नो 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 नो। गुस्सेल बीवी का मूड अच्छा करने के लिए पति ने अपने बर्थडे पर पत्नी द्वारा गिफ्ट की गई 2 शर्ट में से एक चुनी और उसे पहनकर अपनी वाइफ के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी जोर से बोली, अच्छा तो वो रेड कलर का शर्ट तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए नहीं पहना ना?